हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मेमोरी बेस का सेट नंबर 4। और इसमें हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का 2016 का पेपर। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने मुझे बोला है कि 8 फ्रेंड्स, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके, 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, टूवर्ड्स दी सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ईच ऑफ देम वेयरिंग ड्रेस ऑफ डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स। ओके, और सबके सब अलग अलग ड्रेस पहने हुए कार्टून कैरेक्टर्स की, उन कार्टून कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, फाइन। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर हमें कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले मैं काम कर दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टोटल लोग कितने हैं आपके पास, 8 लोग हैं ना, तो दो पॉसिबिलिटीज़ लेकर फिर उसके बाद इसको बनाते हैं, देखिए। ओके, कंडीशंस लिखते हैं, देखिए कंडीशन में उसने क्या बोला है कि एफ इज़ सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के। ओके, एफ कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के है, तो इसको डायरेक्टली इसमें बनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सब लोग कहाँ देख रहे हैं, वो टूवर्ड्स दी सेंटर देख रहे हैं ना, तो एफ कहाँ पर बैठा है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, एफ हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलरली एफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ डेक्स्टर इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी। उसने क्या बोला कि वो पर्सन जो कि डेक्स्टर की ड्रेस पहना हुआ है कहाँ पर है, इमीडिएट नेबर है के का, मतलब एक में मान लेते हैं डेक्स्टर है यहाँ पर, फाइन, और एक में डेक्स्टर है यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी क्योंकि उसने बोला बस के का वो नेबर है। ठीक, उसके बाद देखिए उसने बोला देयर आर ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ डेक्स्टर एंड ई। ओके, सो 3 लोग हैं किसके बीच में, ई और वो पर्सन जो कि डेक्स्टर की ड्रेस पहना हुआ है। ठीक है, तो डेक्स्टर यहाँ पर, तो इसका बोला ई यहाँ पर होगा। ठीक है, सिमिलरली डेक्स्टर यहाँ, तो ई यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ योगी एंड ई। ओके, सो योगी और ई के बीच में क्या है, सिर्फ एक पर्सन है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास और भी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, तो ई और योगी के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, उसके बाद द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ ऑसवर्ड इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज़ वेयरिंग योगी। ओके, और उसने बोला कि ऑसवर्ड कहाँ है, वो योगी के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, मतलब क्या, अगर योगी यहाँ होगा तो इसके इमीडिएट राइट में क्या होगा, ऑसवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, एम कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ के। ओके, उसके बाद एच इज़ वियरिंग ड्रेस ऑफ डेक्स्टर। ओके, एच क्या वियर करा हुआ है, ड्रेस ऑफ डेक्स्टर, मतलब यहाँ पर होगा एच, यहाँ पर होगा एच। ठीक है, और एम को भी हम पुट कर लेते हैं, एम आ जाएगा यहाँ पर, सिमिलरली एम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ओके, जी और जे दोनों का है, वो इमीडिएट नेबर हैं एक दूसरे के, तो अगर मैं जी और जे की बात करूँ, यहाँ पर देखिए वो सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं क्योंकि दो के प्लेस यहीं पर खाली है, और यहाँ पर इधर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीदर जे और जी, ठीक है, इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ योगी। अच्छा, और उसने क्या बोला कि ना ही जी ना ही जे ड्रेस पहने किसकी, योगी की। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इस वाली कंडीशन में, तो उसके हिसाब से ई यहाँ पर है। अब उसने कहा था कि ई और योगी के बीच में क्या है, एक पर्सन है। अब देखिए, इस केस में योगी आता है यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी में, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि जी और जे दोनों यहीं पर आने हैं, लेकिन अगर जी और जे यहाँ पर आएंगे, इन दैट केस योगी यहाँ पर तो आ नहीं सकता है ना। इसका मतलब क्या, एक चीज़ कन्फर्म है कि योगी आएगा यहाँ पर, और अगर योगी यहाँ पर होगा, इन दैट केस इसके इमीडिएट राइट में ऑसवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो फिर से वही चीज़ देखिए, अब आपका योगी यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, जी या फिर जे। ठीक है, तो फिर आपका योगी कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, और अगर योगी यहाँ पर आएगा, इन दैट केस ये हो जाएगा ऑसवर्ड। ठीक है, उसके बाद द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ सिम्पन इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ओके, वो पर्सन जो कि सिम्पन की ड्रेस पहना है, वो कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब सिम्पन होगा यहाँ पर। ठीक है, और सिमिलरली सिम्पन होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ मिनियन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ ऑसवर्ड। ओके, और उसने कहा कि वो पर्सन जो कि
मिनियन की ड्रेस पहना हुआ है वो कहाँ पर है? सेकेंड टू द राइट, किससे? ऑसवर्ड से, मतलब क्या ऑसवर्ड से सेकेंड टू द राइट योगा मिनियन, ठीक है, और ऑसवर्ड से सेकेंड टू द राइट योगा मिनियन, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, द वन हु इज़ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ स्क्रूज इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ योगी। ओके, योगी के बगल में कौन है? स्क्रूज है, मतलब क्या यहाँ पर आएगा स्क्रूज, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर आएगा स्क्रूज, ठीक है। और उसके बाद जी सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ नोबिता। ओके, जी कहाँ पर है? सेकेंड टू द राइट है किससे? जी सेकेंड टू द राइट है किससे? जो कि नोबिता की ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जी कहाँ पर आ सकता है? जी यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब जी आएगा यहाँ पर, फिर आपके पास नोबिता हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जी यहाँ पर नहीं आ सकता, जी यहाँ पर नहीं आ सकता, इन दोनों केसेस में तो जी आ ही नहीं सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हमारे पास गलती हो जाएगी, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास बची। अब यहाँ पर देखिए जी जे आ जाएगा यहाँ। अब जो एक आपके पास ड्रेस बची हुई है किसकी, देख लीजिए, नोबिता सिम्पसन, पोपाय, पोपाय आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पसंद, क्लियर है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, देखिए। ओके, सो इस पर बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। उसने बोला है कि हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। सेकेंड टू द राइट ऑफ ई कौन है? जी या फिर सिम्पसन, मतलब क्या बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज वेयरिंग ड्रेस ऑफ स्क्रूज। ओके, स्क्रूज की ड्रेस कौन पहना हुआ है? के, मतलब डी हो जाएगा। उसके बाद फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ओके, इनमें से चार ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, बाकी का एक आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए नोबिता एच, नोबिता एंड एच, ओके, नोबिता एंड एच, फाइन, पोपाई एन एम, पोपाई एन एम, ओके, योगी एंड जे, योगी एंड जे, आई थिंक यही होना चाहिए। उसके बाद सिम्पन एंड एल, ओके, सिम्पन एंड एल, ठीक है। उसके बाद मिनियन एंड के, मिनियन एंड के, फाइन। तो देखिए जितने भी है ना, ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़कर, जे योगी को छोड़कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वाला है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ डेक्सटर। ओके, उसने क्या बोला है कि एल की पोजीशन क्या है? ओके, एल की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द वन जो कि डेक्सटर की ड्रेस पहना हुआ है। तो डेक्सटर की ड्रेस के अगर हम देखेंगे तो ये सेकेंड टू द राइट है, मतलब क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा वाला हमारा ट्रू है? तो देखिए उसने बोला द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ मिनियन सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ पोपाई। ओके, उसने बोला कि वो पर्सन जो कि मिनियन की बात करिए कहाँ पर है? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पोपाई, ये चीज़ ट्रू है। उसके बाद ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ सिंपल। ओके, ई इमीडिएट नेबर है किसका? जो कि सिंपल की ड्रेस पहना हुआ है, नहीं ये चीज़ ट्रू नहीं है। उसके बाद एच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड द वन हु इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ सिंपल। ओके, एच एग्जैक्टली मिडिल में किससे? सिंपल और एफ से, नहीं तो ये भी चीज़ गलत है। उसके बाद ओनली फोर पीपल सिट बिटवीन ऑसवर्ड एंड एफ, ऑसवर्ड एंड एफ के बीच में चार लोग हैं, ये भी चीज़ गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वेयरिंग ड्रेस ऑफ नोबिता। नोबिता की ड्रेस कौन पहना हुआ है? ई, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, यहाँ पर आपके पास लॉक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने बोला है ऑल केक आर बिस्किट, सारे के सारे केक क्या हैं वो बिस्किट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सम पेस्ट्रीज आर केक्स, ओके, कुछ पेस्ट्रीज क्या हैं वो केक हैं, फाइन। उसके बाद सम बिस्किट्स आर चिप्स, कुछ बिस्किट्स क्या हैं वो चिप्स हैं, ओके, ये है चिप्स, ये है केक, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ऑल पेस्ट्रीज बींग चिप्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी पेस्ट्रीज का चिप्स होना पॉसिबिलिटी है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सम केक्स आर डेफिनेटली नॉट चिप्स, कुछ केक ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली चिप्स नहीं है, ये चीज़ गलत है, हम इसको कंफर्म नहीं बोल सकते ना इनके बीच में, क्योंकि उसने मना तो करा नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या है, उसने हमसे बोला है क्या सम ब्लूज आर ग्रीन, ओके, कुछ ब्लू क्या हैं वो आपके पास ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या हैं वो ब्लू हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल ग्रीन आर वाइट, सारे के सारे ग्रीन क्या है वो आपके पास वाइट दिए हुए हैं, ओके। अब उसने हमसे कंक्लूजन में क्या बोला है कि सम रेड आर नीदर ब्लू
नॉर वाइट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, उसने बोला कि कुछ रेड का ना ही ब्लू होना और ना ही वाइट होना पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पर बोला हुआ है क्या कि कुछ रेड आपके पास ब्लू हैं, वो चीज़ से डेफिनेट है ना, तो इसके ना होने की पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड उसने क्या बोला कि ऑल ग्रीन आर रेड इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ग्रीन का रेड होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये चीज़ क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि ऑल फ्लोर्स आर रूफ, सारे के सारे फ्लोर्स क्या हैं, वो रूफ दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नो विंडो इज़ अ रूफ, कोई भी विंडो रूफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑल विंडो आर वॉल, सारे के सारे विंडो क्या हैं, वो वॉल्स हैं, फाइन। अब आगे उसने उनसे क्या बोला कि सम रूप विच आर वॉल आर ऑल्सो फ्लोर। अच्छा, उसने बोला कि कुछ रूफ जो कि वॉल हैं वो क्या है, वो फ्लोर्स भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी है ही नहीं कि आपके पास कुछ रूफ्स क्या हों, वो वॉल हों। इन केस अगर मैं इसको बना भी देता हूँ, मान लेते हैं कि फ्लोर्स आपके पास ये है, रूफ्स आपके पास ये है, ठीक है। इसने मना करा हुआ है किसके लिए, विंडोज़ के लिए, उसके बाद हमने वॉल्स ये बना दी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, आपके पास सम रूफ्स विच आर वॉल्स, कुछ रूफ्स जो कि क्या हैं, वॉल्स हैं, ये आर ऑल्सो फ्लोर्स, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 100%, ये तो गलत ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने बोला कि नो वॉल इज़ अ फ्लोर, कोई भी वॉल फ्लोर नहीं है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, ये चीज़ सर्टेन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, उसने बोला है कि ऑल केक्स आर बिस्किट, सारे के सारे केक्स क्या हैं, वो बिस्किट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सम पेस्ट्रीज आर केक, कुछ पेस्ट्रीज क्या हैं, वो केक हैं, ओके। उसके बाद सम बिस्किट्स आर चिप्स, कुछ बिस्किट्स क्या हैं, वो चिप्स हैं, ठीक है, ये चिप्स हैं और ये केक्स। अच्छा, ये स्टार्टिंग वाला ही था हमारे पास। कंक्लूजन उसने ये बोला कि सम बिस्किट विच आर पेस्ट्रीज, कुछ बिस्किट जो कि पेस्ट्री है, मतलब इसकी बात कर रहा है, आर ऑल्सो पार्ट ऑफ चिप्स, नहीं ये चीज़ ट्रू नहीं है। उसके बाद ऑल चिप्स इफ़ दे आर पेस्ट्रीज, सारे के सारे चिप्स अगर वो पेस्ट्रीज हैं, ओके, देन दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ केक। अच्छा, ओके, तो देखिए उसने क्या बोला कि अगर सारे के सारे चिप्स पेस्ट्रीज हैं, मान लेते हैं कि आपके पास आपने चिप्स को यहाँ बना दिया, ठीक है, इन दैट केस दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ केक, नहीं ये चीज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए केक अलग है और चिप्स आपका अभी भी अलग है ना, इसका मतलब क्या, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि सम ब्लूज आर ग्रीन, कुछ ब्लू क्या हैं, वो ग्रीन है, ओके। सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या हैं, वो ब्लू हैं, ओके। ऑल ग्रीन आर वाइट, ऑल ग्रीन आर वाइट, फाइन। कंक्लूजन सम वाइट आर नॉट रेड, कुछ वाइट रेड नहीं है, कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद सम रेड विच आर वाइट आर ब्लू, कुछ रेड जो कि वाइट हैं वो ब्लू ज़रूर होंगे। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर देख तो नहीं रहा, अगर मैं इसको बनाता हूँ, इनकेस देखिए ब्लू रेड, अगर मैं इसको ग्रीन और इसको अगर मैं वाइट बना देता हूँ, तो इसको देखिए सम रेड विच आर वाइट, कुछ रेड जो कि वाइट हैं, मतलब इसकी बात कर रहा है, आर ब्लू, नहीं ऐसा ज़रूरी थोड़ी नहीं, ये वाला पार्ट थोड़ी ना आपके पास ब्लू, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, ये आपके पास एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, देर आर सिक्स पर्सन, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, ओके, वो टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, हु इज़ ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ टी, इमीडिएट राइट ऑफ टी कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टी के इमीडिएट राइट में कौन है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। उसने कहा कि ओनली यू इज सिटिंग बिटवीन टी एंड पी, ओके, तो आपके पास टोटल लोग कितने, छः लोग हैं ना, तो ओके, सो सिर्फ यू बैठा हुआ है किसके बीच में, टी और पी के बीच में, मतलब टी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, या फिर पी यहाँ हो सकता है और टी यहाँ हो सकता है। तो अभी भी टी के इमीडिएट राइट में कौन है, हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट से, ठीक है। सेकंड की अगर बात करो तो पी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एस, पी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ एस है। तो इसको मैं किस तरीके से, एक काम करता हूँ, इसकी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, ठीक है। सिर्फ सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा, हम इन दोनों को जोड़कर देखते हैं क्या हम तब पता कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं पी आपके पास यहाँ है, टी आपके पास यहाँ है, मान लेते हैं यहाँ पर टी आपके पास यहाँ है और पी आपके पास यहाँ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो उसने बोला कि पी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एस, पी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ एस है, मतलब यहाँ एस होगा, ठीक है, और इसके हिसाब से यहाँ पर एस होगा। तो अभी भी मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता हूँ कि टी के राइट में कौन होगा, यहाँ पर यू भी है, यहाँ पर कौन है, एस है, जिसका मतलब दोनों से ही आंसर नहीं आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके सो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। उसने पहले स्टेटमेंट में हमें क्या बताया कि ए इज 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अनदर पॉइंट पी। ए कहाँ पर है, पी से 15 किलोमीटर नॉर्थ में। ओके कितना, 15 किलोमीटर। और उसने कहा कि विच इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। ओके जो कि ईस्ट में है कहाँ से, बी से, बी से ईस्ट में है कितना, 20 किलोमीटर्स। ओके तो यहाँ से अगर मैं देखूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में, हाँ मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब हाँ मैं इसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकेंड से देखते हैं उसने क्या बोला, देखिए कि पॉइंट एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ बी। पॉइंट एक्स कहाँ पर है, वेस्ट ऑफ बी है कितना डिस्टेंस, 5 किलोमीटर्स। ओके उसके बाद एंड टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना। ओके और ए से नॉर्थ में कितना, 6। तो यहाँ से भी देखूँ अगर मैं इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि दोनों से मैं इंडिविजुअली अलग अलग आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आज हमने जितने क्वेश्चंस करे वो आपको समझ में आए होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए देता हूँ, तो उनको एक बार ट्राई करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।